नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सपना मतेशिया। ब्लॉक स्तरीय दिव्यांग खेल प्रतियोगिता में दिव्यांग बच्चों ने खेल में भाग लिया। मुख्य अतिथि श्री कौशल कुमार एबीएस ए जागीर और श्री मनिंद्र कुमार एबीएस ए घिरौर ने मां सरस्वती पर फूलमाला पहनाकर और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और बताया शारीरिक मानसिक मुखबधिर दृष्टिहीन बच्चों ने विभिन्न खेलों में दमखम दिखाया। विकलांगता आज के परिवेश में बच्चों के विकास में रुकावट नहीं पैदा कर सकती। सरकार विकलांग बच्चों के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इसका लाभ उठाकर बच्चे अपना विकास कर सकते हैं। दिव्यांगता कोई अभिशाप नहीं है। दिव्यांग बच्चों ने हौसलों से दिखा दिया है कि मौका मिले तो वे सामान्य लोगों से आगे निकल सकते हैं। उन्होंने दिव्यांग बच्चों के लिए समय समय पर कैंप आयोजित कर सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने का आह्वान किया। उन्होंने दिव्यांग बच्चों के माता पिता का आह्वान करते हुए कहा कि वे दिव्यांग बच्चों को बोझ न समझे। तत्पश्चात बच्चों को फूलमाला पहनाकर गिफ्ट प्रदान किए। इस मौके पर राजेश कुमार, दिलीप कुमार, अमिता चौहान, पांडे जी, भूपेंद्र कुमार, कस्तूरबा गांधी विद्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा।